हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फो फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने व्हाट्सएप की लास्ट सीन को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जाना होगा व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा और सेटिंग में आना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना होगा और प्राइवेसी में आना होगा। आज हम सीखेंगे इस पूरी सेटिंग के बारे में कि हम यहाँ कर क्या क्या कर सकते हैं प्राइवेसी में। प्राइवेसी में फर्स्ट जो है हमारे पास लास्ट सीन है। लास्ट सीन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरी कॉन्टेक्ट को मेरा लास्ट सीन देखे, तो आप इसको यहाँ से माय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हो कि हर किसी को देखे तो एवरीवन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हाइड हो जाए तो नोबॉडी पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है हमारे साथ प्रोफाइल फ़ोटो। हमारा जो प्रोफाइल फ़ोटो होता है, अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे सिर्फ कॉन्टेक्ट को देखे तो माय कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना, अगर किसी को भी ना दिखे तो नोबॉडी करना, और अगर हर किसी को दिखे तो एवरीवन पर क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फिर बात आती है अबाउट की, जो हमने अपने व्हाट्सएप आईडी के अकाउंट की जो अकाउंट लिखा होता है। अगर एवरीवन के लिए करते हो तो यहाँ पर एवरीवन से पर क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि हम अपने ब्लू टिक को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने ब्लू टिक को अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे इनेबल करें, इस ऑप्शन को अप कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको मैसेज सेंड करता है तो उसको आपका ब्लू टिक नहीं दिखेगा। अगर आप मैसेज को रीड भी करें तो तब भी आपका ब्लू टिक उसे नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आपका ब्लू टिक उसे नहीं दिखेगा तो उसका ब्लू टिक आपको भी नहीं दिखेगा। अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो उसका जो ब्लू टिक होता है वो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसे इनेबल।